जब ये लीला को देख रहे को हंस रहे थे क्योंकि श्याम सुंदर प्यार घटाते ही राधा रानी को एकदम पेड़ ऊपर उठा कर ले गए। ये लीला को देख रहे के वो हंस रही थी। कौन हंस रहे थे? रूप गोस्वामी हंस रहे थे। इतने में एक खंज कृष्णदास थे जो लंगड़े लुढ़े है, ठीक उसी समय में वो उधर से होते हुए जा रहे थे। जब श्री रूप गोस्वामी ये लीला को देख करके हंसे, अभी वो खंज कृष्णदास सोच रहे हैं, देखो ये इतने बड़े संत हैं, रूप गोस्वामी कितना जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये छह गोस्वामी में सबसे पहला नाम किसके ली जाती है? श्री रूप गोस्वामी की, क्योंकि ये सब गोस्वामी में जितने गोस्वामी सबके सब इनके अनुगत्य में जुगल सरकार की सेवा करना चाहते हैं। बोले इतने बड़े महाभागवत है, और जो महाभागवत होते हैं कहते स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, कोई शरीर को देखते नहीं, सभी का हृदय में परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हैं वो भगवत दर्शन करते हैं, वो शरीर को नहीं देखते हैं। बोले मेरे प्यार से लंगड़ा लुढ़ा हूँ, इसलिए इतने बड़े संत होकर के और हमें ये खिले उड़ा रहे हंस रहे हैं। जब उन्होंने मन मन में ये सोच लिया बहुत दुखी हो गए। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं वैष्णव अपराध कितना खतरा होता है, इसे सावधान करवा रहे हैं। यद्यपि रूप गोस्वामी नित्य सिद्ध परिकर है, इनकी कभी अपराध का कोई चांस नहीं, लेकिन हम साधारण साधकों को शिक्षा देते हैं कि तो भैया सावधान, ये वैष्णव अपराध से हमें सावधान रहनी चाहिए। इसलिए 10 तरह का नामा अपराध, उसमें जो पहला अपराध बताया वैष्णव अपराध। यद्यपि गुरु उसमें मैं नहीं, भक्ति में मूल तो गुरु है, लेकिन उसमें गुरु अपराध गुरु अवज्ञा नहीं बताया। पहला किसने बताया? वैष्णव अपराध उसमें बताया, क्योंकि गुरु जी का प्रति हमारे गौरव रहता है, ये हमारे तो गुरुदेव है, ये हमारी गुरुदेव है। कभी कभी दूसरे वैष्णव का प्रति हमारी अनादर का भावना हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये चीज को शिक्षा देने के लिए यहाँ पर जो रूप गोस्वामी का हृदय में वो जो लीला स्फुरण हो रही थी वो लीला बंद हो गया। जब लीला बंद हो गया इतने में रूप गोस्वामी को तड़फड़ाने लग गए। हाँ तड़फड़ाने, क्योंकि हृदय में सारी लीला अंतर्ध्यान हो गई, क्योंकि एक वैष्णव चरण में हमारी अपराध हो गया। रूप गोस्वामी बड़े दुखी होकर के श्री सनातन गोस्वामी के पास में आए, बड़े भैया के पास में आए, और उनने सारे बात को ऐसे ऐसे बताए। लेकिन सनातन गोस्वामी उनको पता है भक्ति में सबसे बड़ा अपराध वैष्णव अपराध, इसलिए महाप्रभु कहते हैं वैष्णव अपराध कैसे, जैसे एक मतवाला हाथी, जैसे एक मतवाला हाथी किसी बगीचा में घुसे और सूंड में जड़ समेत उसको उखाड़ देती है, हैं? जैसे कोई पेड़ अगर ऊपर से काट दो ना फिर उसमें चांस है, निकलती है टहनियां, लेकिन अगर जड़ से उखाड़ दिया तो फिर क्या होगा, फिर तो पूरा ही गया। कहते भक्ति की जो वैष्णव अपराध पूरा उसका जड़ समेत उखाड़ देती है, फिर भक्ति में फिर मन नहीं लगता है, हरिनाम में रुचि नहीं आएगा, भजन करने में रुचि नहीं आएगी, कृष्ण कथा में रुचि नहीं आएगी, कृष्ण सेवा में रुचि नहीं आएगी, कृष्ण नाम में रुचि नहीं आएगा, है? इसलिए सनातन गोस्वामी जानते ही ये चीज को, वो बोले लगता है जरूर किसी वैष्णव का चरण में तुम्हारी अपराध हो गया। बोले क्या करनी चाहिए? बोले उत्सव घर में एक उत्सव करो, और सारे संतों के पास में जाओ, सबको निमंत्रण दो, जो निमंत्रण स्वीकार करेगा समझना ये ठीक है, और जो स्वीकार नहीं करेगा फिर तो तुम समझ जाना इनकी चरण में हमारे अपराध है। सब लोगों ने स्वीकार की, जब इनको पास में आए, हाँ ये खंज कृष्णदास मतलब ये लंगड़े लुड़े थे, हैं? जब इनको पास में आए तब उन्होंने कहा आप इतने बड़े संत हो, आपका उत्सव में मैं जाने का लायक थोड़ी हूँ, हम तो लंगड़े लुड़े आदमी हैं, हम तो कहाँ दीन, आपका उत्सव में कहाँ जा सकता हूँ। जब इतना बात बताए फिर समझ गए भैया कांटा तो यहीं पर गड़ेगी, यहीं पर कांटा गड़ा हुआ है। तब उनके याद आया जिस समय वो लीला स्फूर्ति हो रही थी, लीला दर्शन कर रहे थे, वो इधर से होते हुए वो जा रहे थे, उन्होंने देखा था उनको, हैं? उनको देखा था, फिर समझ गए भैया यही अपराध हो गए, फिर उनके चरण में गिर गए, फिर उन्होंने सही बताया। बोले देखो प्रभु मैं राधा रानी की लीला स्मरण कर रहा था, कैसे श्याम सुंदर, हैं? पेड़ के ऊपर चढ़ करके टहनिया को नीचे झुका गई थी,
राधा रानी एक हाथ में पकड़ करके एक हाथ से पुष्प चयन कर रही थी, श्याम सुंदर छोड़ दिए, वो पेड़ कैसे पूरा राधा रानी को टहनिया ऊपर लेकर कैसे उठा गया। ये लीला को देख करके मैं हंस रहा था, आपको देख कर मैं नहीं हंसा था। फिर उनको पता चला, भैया हमारा तो मैंने जो मन मन में ये भाव ले आया ये तो सही है, लेकिन गलती मैं हूँ, मैं तो इनके चरण अपराध की। फिर उन्होंने उनके चरण में माफी मांगी। फिर जाकर उनको तसल्ली मिली। इसलिए आप देखना, जैसे हमारा मंदिर के कीर्तन होता है ना, मंगल आरती हो गया, तुलसी परिक्रमा हो गई, शाम को था सवेरे हम क्या करते हैं लास्ट में, बच्चा कल्प दुर्भस्त कृपा सिंधु भय बच पतिता नांग पावने भो वैष्णव भो नमो नमः। इसलिए चैतन्य भागवत में के प्यार है, और प्यार में कहते हैं नियम है, ये प्यार को बोलनी चाहिए, बोले सकल वैष्णव चरण यही अपराध इथे जन अपराध ना हो कामर। उसमें इसका मतलब है सारे वैष्णव के चरण में हम प्रणाम करते हैं, वैष्णव ठाकुर अगर जान अनजान में अगर आपका चरण में कोई हमारी अपराध बन गई तो आप सबके सब मेरे अपराध को माफ कर दो हैं। पर वैष्णव जो माफ कर देंगे, हृदय साफ हो गया। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, देखो भक्ति भले ही कम हो रहा है कोई चिंता मत करो, लेकिन कहीं अपराध मत किया करो। कहते अपराध भक्ति जतक नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते चलते जाओगे, लेकिन कोई जैसे वैष्णव चरण में अपराध हो जाए नहीं हो जाए, इसी के लिए सावधान सबसे ज्यादा रहो हैं। फिर ज्यादा भक्ति किया वैष्णव अपराध ज्यादा करते तो फिर सारे भक्त भक्ति खत्म हो जाए, इसलिए ये चीज को सावधान देते हैं। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री कुसुम सरोवर की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरी हरी।